Today we solve example 7.4. A nucleus of helium. सबसे पहले नाम दीजिए बेटा इसमें हीलियम का न्यूक्लियस। अगर हीलियम की बात करूं तो हीलियम का एटम होता है Hg2O4। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो ये इसका न्यूक्लियस है जिसमें 2 प्रोटॉन है प्लस 2 क्या है न्यूट्रॉन है, और ये इसका ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये पूरा हीलियम है। मुझे हीलियम का क्या बनाना है, न्यूक्लियस। मुझे केवल ये चाहिए तो मुझे इसके ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये एग्जिट आउट करने पड़ेंगे, बाहर निकालने पड़ेंगे, इसलिए हीलियम का न्यूक्लियस होता है 2Hg4+2। ये प्लस टू साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए गए, और इस हीलियम के न्यूक्लियस को ही क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। ये 2019 का PMT का एक 4 मार्क्स क्वेश्चन था कि जो अल्फा पार्टिकल जो होता है उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल कितने होते हैं। जैसे ऑप्शन थे, इसका करेक्ट आंसर था कि 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 0 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट था। तो ये पूछा था कि अल्फा में कौन कौन होगा आपके पास, तो अल्फा हीलियम नहीं होता, हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा बोलते हैं। इतनी सी बात क्लियर है आपके पास। अब अपने काम पे आते हैं। तो ये जो हीलियम का न्यूक्लियस है इस पे कितना चार्ज है, तो हमने बोला इस पे चार्ज होगा 2 प्रोटॉन के बराबर। एक प्रोटॉन के पास चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹। तो चार्ज हमें पता लग गया। मेक ए कंप्लीट राउंड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 0.8 मीटर इन 2 सेकेंड। ये जो हीलियम का न्यूक्लियस है ये एक सर्कल पे रिवॉल्व कर रहा है, तो ये हीलियम का न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है। जिस सर्कल पे ये रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस आपके पास गिवन है 0.8 मीटर आपके पास, और एक साइकिल पूरा करने में उसको जो टाइम लगता है वो कितना है बेटा, 2 सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कल। आपको इसके सेंटर पे कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो कैलकुलेट करना है। तो बायो सावर्ट का सेकेंड एप्लीकेशन रिजल्ट हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा μ0I/2R। तो म्यू नॉट तो कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू हमें पता है 4π × 10⁻¹⁹ 2 Hg। रेडियस आपके पास गिवन है 0.8, बट करंट नहीं है। एक चीज बताओ, करंट का डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब है आपके पास मूवमेंट ऑफ चार्ज। तो ये हीलियम पर जो प्लस 2 चार्ज है ये मूव तो कर ही रहा है। अगर ये चार्ज मूव करेगा तो कुछ करंट डेवलप करेगा, कितने करंट डेवलप करेगा। तो करंट की डेफिनेशन से करंट होता है चार्ज इन पर यूनिट टाइम। I की जगह क्या रख सकते हैं बेटा, Q/T। वैल्यू पुट करो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, μ0Q2RT। अब चार्ज भी हमें गिवन है और टाइम पीरियड भी हमें गिवन है। सॉल्यूशन करेंगे, μ0 की वैल्यू कितनी, 4π × 10⁻¹⁹ चार्ज। चार्ज कितना है बेटा, 2 × 10⁻¹⁹ ÷ 2। आपके पास रेडियस कितना है 0.8 × टाइम कितना लग रहा है बेटा, 2। ध्यान देना, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल, 8 × 2 = 16, और 2 से 2 कैंसिल आपके पास। अब डेटा क्या बचा बेटा, 4, पाई की वैल्यू 3.14 × −7 − 19, टोटल हो गया −26। 4 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 4 = 12 और 14 × 4 = 56, −10⁻¹⁶। ये निकाला अपने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, टेस्ला।